5 जुलाई 2017 को डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अरेस्ट किया जाता है। ऑफ द डार्क वेब मार्केट अल्फा बे। ये आदमी अल्फा O2 के नाम से जाना जाता था। In 2017, he was arrested in Thailand by Thai authorities in the joint operation with FBI. लेकिन क्यों? इस इंसान ने millions of drugs sell किए, लोगों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का डाटा सेल किया, बहुत ज्यादा स्कैम्स एंड फ्रॉड किए लोगों के साथ, एंड आल्सो फॉर ऑफरिंग मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज। लेकिन इसकी छोटी सी गलती ने इसको तबाह कर दिया। दिस इज द लार्जेस्ट डार्क मार्केट वेब प्लेस टेक डाउन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस इंसान ने एक बहुत बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेस बनाई थी। इस मार्केट प्लेस का नाम था अल्फा बे, बिल्कुल अमेज़न की तरह। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पे सिर्फ इल्लीगल चीजें मिलती थी, वेपन्स, ड्रग्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड का डाटा, एंड बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए जाते थे इस डार्क वेब मार्केट प्लेस पर। आखिर ये इंसान कौन था और इतना बड़ा मास्टरमाइंड किसका था इस पूरे प्लान के पीछे, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस आदमी का असली नाम था अलेक्जेंडर सेजिस। इसके जितने भी दोस्त या फिर इसके रिश्तेदार जानने वाले थे, उन सब का कहना यह था कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट गाय। इसे पैसे से बहुत प्यार था, लेकिन पैसों के नशे में इतना धुत हो गया कि इसने पता नहीं कितने लोगों के साथ स्कैम्स एंड फ्रॉड किए और मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ये एक पहुंचा हुआ कंप्यूटर इंजीनियर था। जहां बात कंप्यूटर्स की आती थी, वहां ये बंदा डेवलपमेंट से लेके इंक्रिप्शन तक सब कुछ कर लेता था। इसके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स थी, एंड एट दैट टाइम His wife was pregnant. एकदम नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है ये, लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। इस इंसान के राज का पर्दा उठ जाता है, लेकिन वजह क्या थी? वजह थी डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा है जहाँ पर टोर ब्राउजर और बिटकॉइन का इस्तेमाल करके न जाने कितने बुरे काम किए जाते हैं। लेकिन एक ना एक दिन बुरा काम सामने आ ही जाता है। 22 दिसंबर 2014 अल्फा बे नाम की एक मार्केट प्लेस डार्क वेब पे शुरू होती है। इस मार्केट प्लेस को एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड चला रहा होता है, मींस अलेक्जेंडर सेजिस। लेकिन यहाँ पे ये इंसान अपना यूजर नेम अल्फा O2 के नाम से रखता है, इसीलिए उस वक्त इस इंसान को सब अल्फा O2 के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में तो इस मार्केट प्लेस पर बहुत कम लोग थे और बहुत मामूली सी क्राइम एक्टिविटीज हुआ करती थी। अल्फा O2 उस वक्त कार्डिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था। अब आप में से काफी लोगों को कार्डिंग का भी नहीं पता होगा। बेसिकली कार्डर उसे कहा जाता है जो दूसरों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी करके आगे सेल करे। लाइक इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे चुराना। तो अल्फा O2 कार्डिंग में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था, एंड इस बंदे ने कार्डिंग पे एक बुक भी लिखी। इस बुक का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिंग क्वाइट, विच इज टोटली इल्लीगल बुक, जिसमें उसने कार्डिंग करने की स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप दूसरों के क्रेडिट कार्ड का डाटा किस तरह चुरा सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्फा O2 की डार्क वेब मार्केट प्लेस की प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। अब इससे छोटे मोटी ऑफर्स नहीं मिलती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बड़े क्राइम आना शुरू हो गए, लाइक वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग एंड लोगों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का डाटा और जितने भी इल्लीगल काम थे वो सारे इस डार्क वेब मार्केट प्लेस पर अवेलेबल होना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे इस मार्केट प्लेस का काम बढ़ता गया, इस इंसान ने इसको और ज्यादा मजबूत कर लिया, इस पे और ज्यादा प्राइवेसी लगा दी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी। यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल इंसान पहुंचता भी था तो उसे बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचना पड़ता था। मतलब सिक्योरिटी इनका फर्स्ट रूल था। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल था, बिल्कुल अमेज़न की तरह, मतलब आप इजीली यहाँ पे इनकी सर्विसेज को परचेज कर सकते थे। लेकिन पेमेंट मेथड सिर्फ क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को इजीली ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन ट्रैकेबल नहीं होती, तो इसीलिए डार्क वेब पे सिर्फ बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है। अब उस वक्त डार्क वेब पे सिर्फ अल्फा बे ही मार्केट प्लेस नहीं थी, और भी बहुत सारी मार्केट प्लेस थी, जैसे रोड सिल्क 3.0 एंड अगोरा, लेकिन अल्फा बे इन तमाम मार्केट प्लेस को टक्कर दे रहा था। अब कुछ लोग तो अगोरा को छोड़ के अल्फा बे में आना शुरू हो गए। ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, लेकिन किसी को कानोकार खबर ही नहीं थी, यहाँ तक कि FBI भी इनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जल्द ही ये सब कुछ बदलने वाला था। कुछ वक्त गुजरता है और अल्फा O2 अपना यूजर नेम चेंज कर लेता है। अब वो अल्फा O2 की जगह एडमिन रख लेता है, और अब वो किसी से डायरेक्टली बात भी नहीं करता,
क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अल्फा बे ने अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए ये स्टेप लिया। अब उस इंसान के अंडर कई लोग काम करते थे और उसके ऑर्डर्स के मुताबिक इस पूरी मार्केट प्लेस को मैनेज करते थे। इस वक्त इसके टोटल यूजर 2 लाख तक पहुंच गए थे। एक तरफ अल्फा बे डार्क वेब की दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन ड्रग डीलर्स को पकड़ना शुरू कर देती है। छोटे मोटे ड्रग माफिया और मार्केट प्लेस इनकी नजर में आना शुरू हो जाते हैं। अभी सबका ध्यान अल्फा बे पर था क्योंकि वही उस वक्त सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी और उसकी तह तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्फा O2 की एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एजेंट अल्फा बे डार्क वेब मार्केट प्लेस पर एनोनिमस होकर जाता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से अल्फा बे या फिर अल्फा O2 की इंफॉर्मेशन को निकाल सके। अब यहाँ पे अल्फा O2 की गलती ये थी कि जब भी कोई नया यूजर इनकी मार्केट प्लेस पे आता था तो उसको एक वेलकम मैसेज भेजा जाता था। अब जैसे ही ये एजेंट उस मार्केट प्लेस पे गया तो इसे एक वेलकम मैसेज आता है और इस वेलकम मैसेज में अल्फा O2 का ओरिजिनल ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है। वो ईमेल एड्रेस ये था। अब वो एजेंट इस ईमेल को फौरन आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब पूरी की पूरी एजेंसी इस ईमेल को क्रैक करना शुरू हो जाती है ताकि वो इस इंसान की इंफॉर्मेशन निकाल सके कि आखिर ये है कौन। तभी उन्हें यहाँ पे एक एलेक्स नाम के बंदे का डाटा मिल जाता है और उसी के साथ उन्हें एलेक्स की कुछ पिक्चर्स भी वहां पे मिलती हैं। यहाँ एलेक्स की उम्र 23 साल शो होती है। ईमेल एड्रेस भी वही था और पूरा नाम था अलेक्जेंडर सेजिस। सिर्फ एक ईमेल एड्रेस से इसका पूरा पर्दा फाश हो गया। इसकी लिंक्डइन आईडी, पेपाल अकाउंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ दुनिया के सामने। अब बात आती थी अलेक्जेंडर सेजिस द किंग ऑफ डार्क वेब को पकड़ने की। उस वक्त ये इंसान थाईलैंड में एक बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहा था। जल्द ही पुलिस अलेक्जेंडर सेजिस के आईफोन को भी ट्रैक कर लेती है और इसके जितने भी गैर कानूनी अड्डे होते हैं उन सब का पता लगवा लेती है। और ये सब काम बहुत एहतियात से किया जाता है क्योंकि अगर एलेक्स को थोड़ी सी भी खबर हुई तो वो ये सारा डाटा लॉक कर देगा या इनक्रिप्ट कर देगा। तो इसी वजह से FBI और जितने भी थाईलैंड की जितनी भी पुलिस थी उन सब ने ये काम बहुत एहतियात से किया। 5 जुलाई 2017 को थाईलैंड पुलिस DEA के साथ मिलकर एलेक्स के खिलाफ एक वारंट निकालते हैं और एलेक्स को इस बात की खबर ही नहीं होती कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। उसी दिन एक फीमेल ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ इसके घर के बाहर पहुंच जाती है और किसी तरह इसके गार्ड्स को अपने झांसे में ले लेती है और गाड़ी सीधा एलेक्स के घर के बाहर टकराती है। और जब एलेक्स ये गाड़ी लगने की आवाज सुनता है तो वो फौरन बाहर आता है। उसे लगा कोई एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही वो बाहर आता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अलेक्जेंडर सेजिस को कुछ समझ नहीं आई। वो किसी भी डिवाइस को ना तो रिमूव कर पाया ना किसी भी डाटा को इनक्रिप्ट कर पाया क्योंकि उसे एक सेकंड का भी वक्त नहीं मिला। और यही तो पुलिस का प्लान था कि एलेक्स का डाटा सही सलामत अनलॉक्ड हालत में पकड़ना है। जब पुलिस एलेक्स के घर में छापा मारती है तो एलेक्स का उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो कि अनलॉक हालत में पड़ा हुआ था वहां पे और जिस लैपटॉप से वो पूरी मार्केट प्लेस को मैनेज कर रहा था। और लकीली यहां पे उसका सर्वर भी लॉगिन था, वो कुछ रिमूव ही नहीं कर पाया। और फिर पुलिस को मिलते हैं वहां पे कई बड़े बड़े क्राइम्स जो अलेक्जेंडर सेजिस लोगों के साथ कर चुका था। उस वक्त अलेक्जेंडर सेजिस $23 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा चुका था। और उसके बाद फिर अल्फा बे की इस पूरी डार्क वेब की मार्केट प्लेस को शट डाउन कर दिया जाता है और ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी अल्फा बे पर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाजत। Goodbye. Yeah, yeah. 2021. Let's go. It's your boy. You know who the fuck this is.